नमस्कार, आज मैं देहरादून अपने मायके आई हूँ। कोंपले सर उठा के जब देखे, कौन आएगा अगर बाहर नहीं। आंखें जब देखती हों दरवाजे, कोई कह दे इंतज़ार नहीं। तो यहाँ का यह टेरेस गार्डन है। टेरेस गार्डन यहाँ का वैसे ही उपजाऊ होता है जैसे नीचे ज़मीन में। यहाँ तो गार्डन में सिर्फ आजकल लहसुन हो रही हैं, इसलिए मैं टेरेस गार्डन ही आपको दिखा पा रही हूँ। यहाँ टेरेस गार्डन का काफ़ी प्रचलन चलने लग गया है, क्योंकि यहाँ भी गर्मी काफ़ी पड़ने लग गई है और इसके कारण से नीचे के कमरे ठंडे रहते हैं। यह गार्डन सिर्फ ऑर्गेनिक है, इसमें तो घर के छिलके छुलके सब सब्जियों के तय डाले जाते हैं और गोबर की खाद, भरपूर गोबर की खाद, क्योंकि गोबर की खाद यहाँ आसानी से मिल जाती है, सामने ही गौशाला है। कंपेयर करेंगे दिल्ली से तो दिल्ली का एटमॉस्फेयर, वेदर कंडीशन ऐसी नहीं है जैसी हिली स्टेशंस की होती है या देहरादून जैसे वैलीज की होती हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक खाद से बहुत अच्छी ऐसी सब्जियाँ हमें नहीं मिल पाती है। मैंने भी काफ़ी बार कोशिश की, अभी भी कोशिश करती रहती हूँ ऑर्गेनिक खाद से, किंतु इतनी सारी सब्जियाँ एक ही गमले में नहीं मिल पाती है। हाँ, करेले की बेल लगाई थी, करेले की बेल में काफ़ी करेले आए, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम इधर उधर भी दे रहे हैं और भरपूर हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे मिर्च का भी है, मिर्च भी अपने आप के लिए यूज आ जाती हैं। बाकी शिमला मिर्च भी लगाई थी, लेकिन शिमला मिर्च का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। कई सब्जियों का रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं रहा। हाँ, पालक का रिजल्ट अच्छा रहा, पालक सर्दियों में अच्छी हो जाती है, जैसे फरवरी मार्च के महीने में अच्छी पालक मिलती है दिल्ली में भी ऑर्गेनिक से। किंतु जैसे हमें कई बार वीडियोस में दिल्ली के टेरेस गार्डन में दिखाया जाता है कि हमारी इतनी इतनी सब्जियां निकल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बिना केमिकल के इतनी अच्छी सब्जियां दिल्ली के एटमॉस्फेयर में हो पाती होंगी। इसमें आप ग्रो बैग में देखेंगे पपीते का पेड़ भी है, चीकू का पेड़ भी, और जिसमें फल आते भी हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में फल आते भी हैं, सब्जियाँ भी आती हैं, सब्जियाँ आस पड़ोसियों को भी दी जाती हैं, तो भरपूर हो जाता है अपने लिए। बात करते हैं फूलों की, तो फूल भी यहाँ तो दिल्ली में एक से डेढ़ दो महीने तक फूल रहते हैं, फिर उसके बाद फूल भी नहीं रहते हैं, लेकिन देहरादून जैसी जगह में फूल काफ़ी महीनों तक खिले हुए रहते हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मुझे लगता है। आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।